नमस्ते, मैं हूँ काजल। आज हम करने वाले एक बहुत ही अच्छा आसन, जो आसन हमारे हिप्स, हमारे कोर और बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लेकिन उस आसन को करने के पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम करने वाले हैं बीड पोज। यह आसन बहुत ही अच्छा आसन है आपके हिप, कोर और बैक के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने दो स्टेप ऐड किए हैं। अगर वो स्टेप आप करते हैं तो आपके हिप, कोर और बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन रहेगा। आप अपने रेगुलर आसनास में इसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम ये आसन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके कोर, आपके हिप और आपके बैक साइड में ज़्यादा करके फैट होता है, तो इस फैट को कम करने के लिए आप अपने रेगुलर आसनास में इस आसन को ऐड कर सकते हैं। और जो मैंने दो स्टेप और बताए आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आसन आपको किस तरीके से करना है। पोज करने के लिए आपको करना है कुछ इस तरह। पहले आपको डॉग पोज में आ जाना है। डॉग पोज में आने के बाद आपके राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है और आपके लेफ्ट को आगे की तरफ, इस तरह। और जो दो स्टेप मैंने आपको बताया था कि मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, वो आपको अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे, अपने हाथ से बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो आप दोनों अब हाथों को इस तरह नीचे रख के आपके पैरों को करना है इस तरह अप, फिर अपने पोजीशन पे अप। देन राइट साइड, आप इस तरह करते हैं तो आपके जो हिप्स में फैट रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप अपने रेगुलर आसनास के साथ इसे ऐड करना मत भूलेगा। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।